Hi guys, a very happy Ram Navami to all of you and welcome back to my channel. So, आज हम बनाने वाले हैं प्रसाद का हलवा, सूजी का हलवा एंड चना. Now, इसे कैसे बनाना है वो देख लेते हैं जल्दी से. बट उससे पहले अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर करिए जिनके साथ भी आपको लगता है कि उन्हें ट्राई करना चाहिए. एंड साथ में एक प्यारा सा कॉमेंट्स छोड़ के जाना कि आपको कैसा लगा. Now, सबसे पहले हलवा, सूजी के हलवे के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट चाहिए. तो एक कटोरी सूजी मैंने लिया है. सूजी काफ़ी फूलती है सो क्वान्टिटी बढ़ जाती है. देन चीनी, उसके साथ दो इलायची लिए जिसे मैं ग्राइंड कर दूंगी. ये ग्रेटेड कोकोनट है, ये फ्रेश कोकोनट है. एंड कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं ऑफ योर चॉइस. आप उसे, मैं उसे एक्चुअली भिगा लेती हूँ इसके बाद कट करती हूँ. साथ में हमें चाहिए है केवड़ा वाटर और नॉर्मल वाटर जिसे हम बॉइल करके हलवे में यूज़ करेंगे. ना सबसे पहले टिप यहाँ पर ये है कि आप ना सूजी को पहले ड्राई रोस्ट कर लीजिए. जब वो अच्छे से रोस्ट हो जाए उसके बाद उसमें घी ऐड करिए. ना घी के साथ उसको थोड़ा सा भूनने के बाद में अच्छे से जब एक फ्रेग्रेंस आने लगती है उस मोमेंट पर आपको अपना जो बॉईल किया हुआ पानी है वो इसमें धीरे धीरे कर ऐड करना है हमें. नाउ मीन वाइल आप बॉईल करने के लिए रख दीजिए, वो जल्दी बॉईल हो जाएगा पानी आपका. और थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करेंगे ताकि हलवे में जो है वो लम्स ना पड़े और उसको अपना अच्छे से स्टर हम करते रहेंगे. ओके, नाउ पानी डालने के बाद में थोड़ा सा उसे और हम कुक करेंगे. कुक करने के बाद फिर हम उसमें ऐड करेंगे शुगर. मैंने जैसा बताया कि मैंने इलायची के साथ उसे पीस लिया था, एक बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस उसमें आता है. नाउ ध्यान रखिएगा हमेशा से कि हलवा में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं ऑन द गो. अगर आपको लगता है कि घी आपने तब कम डाला था और अब नीचे आपका अगर हलवा लग रहा है दैट मीन्स कि घी कम है, थोड़ा घी आप इस स्टेज पर भी ऐड कर सकते हैं. नाउ अब हमने ऐड किए हैं अपने ड्राई फ्रूट्स और चीनी. जब हम चीनी ऐड करते हैं ना हलवे में तो वो भी अपना मॉइस्चर जो है वो लूज़ करता है, इससे कलर भी इन्हांस होता है, थोड़ा सा पतला भी थिन भी होता है आपका हलवा. उसको थोड़ा सा हम और कुक करेंगे. एंड लास्टली जब हमारा सारी ये कुकिंग वाली प्रिपरेशन हो जाएगी कंप्लीट, उसके बाद हम ऐड करेंगे अपना ग्रेटेड कोकोनट और एग्जैक्टली इसके बाद हम ऐड करेंगे अपना केवड़ा जल, केवड़ा वाटर, जो इजीली किसी भी ग्रोसरी स्टोर्स में आपको मिल जाएगा. एंड दैट्स इट, हलवा हमारा रेडी है. नाउ आ जाते हैं हमारे चने के लिए. सो चना हमने एक कटोरी लिया है, इसे ओवरनाइट सोक कर लेंगे. नाउ जब इसे मैं बॉईल करूंगी उसके साथ मैं एक तेजपत्ता उसमें डाल देती हूँ. हमें चाहिए धनिया पाउडर, नमक, आमचूर, हल्दी, जीरा और जीरा पाउडर, साथ में एक इंच अदरक का टुकड़ा, दो मिर्ची, थोड़ा सा लाल मिर्ची. नाउ इन सबको हम डाल के ना इसमें अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे. नाउ यहाँ पे मैंने जल्दी में एक्चुअली नमक ऐड कर दिया था, बट आप यहाँ ऐड मत करिएगा. जब आप अपने चने बॉईल करेंगे ना उस स्टेज पर आपको ये ऐड करना है. ओके, नाउ ये पेस्ट हमने बना लिया, रेडी कर लिया. मीनवाइल हमारे चने जो है वो बॉईल हो जाएंगे. उसके बाद आ जाते हैं इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है उसके उसमें. तो सबसे पहले हमने अपना पैन लिया, उसमें थोड़ा सा घी हमने डाला, उसके बाद हम डालेंगे इसमें हींग. एंड जब भी चने से रिलेटेड कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो हींग उसमें डालना एक्चुअली इम्पॉर्टेंट ही हो जाता है. नाउ इसके बाद हमने इसमें डाला ग्रीन चिलीज. इसके बाद हमें डालना है इसमें हमने जो वो मसाला पेस्ट जो है वो रेडी किया है वो अब हम इसमें डाल देंगे. नाउ इसको थोड़ा अच्छे से हम कुक होने देंगे. एंड मीनवाइल अपने जो चने हैं वो हम चेक कर लेंगे कि वो ठीक से कुक हुए हैं या नहीं. तो हल्का सा प्रेस करेंगे और इजीली वो अगर प्रेस हो रहा है दैट मीन्स कि अच्छे से कुक हुए. जस्ट फॉर योर आइडिया कि हाफ एन आवर सिम पर आप कर अपना अगर चने बॉईल करेंगे, एक फुल में सीटी दे दीजिए एंड बाकी का हाफ एन आवर सिम में कर दीजिए, तो बहुत अच्छे से आपके चने जो है वो रेडी हो जाएंगे, गल जाएंगे. और मसाला रेडी होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चने. मसाला कब रेडी हुआ उसका बेस्ट तरीका यही है कि जो घी है वो साइड में आ जाएगा हमारा. मीनवाइल उसको हमें स्टर करते रहना है. और इसे अब हम थोड़ा सा स्लो पर कुक करेंगे. एंड उसके बाद मैंने इसमें जो जिंजर है अदरक के जूलियंस काट के इसमें ऐड कर दिए हैं. नाउ अब इसके बाद हम इसमें आप अगर धनिया यूज़ कर रहे हैं तो धनिया आप डाल सकते हैं. बट मैं उत्तराखंड से हूँ और वहाँ पर एक हर्ब है एक्चुअली दुन, तो पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी काम होता है तो हम इसे यूज़ करते हैं. तो ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है एंड इसकी जगह धनिया लाइक परफेक्टली वर्क करता है. नाउ इट इज़ रेडी. अब इसे हम प्लेट कर लेंगे. नाउ दिस इज़ द फाइनल प्रसाद का हलवा और प्रसाद का चना. तो ट्राई ज़रूर करना, बताना कमेंट्स में कैसा लगा एंड शेयर करना जिनके साथ भी आप चाहते हो कि वो ये इसे ट्राई करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेकिंग योर टाइम आउट. बाय बाय, हैव अ गुड.